आगरा के फतेहाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहाबाद में पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा। आंगन में चारपाई पर सो रही थी पत्नी, सोते समय घटना को दिया अंजाम। सात बच्चों के सिर से उठा मां का साया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि फतेहाबाद के नगला गडरिया की है घटना है। अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हमारे संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। जी मनोज, ये जो घटना है वो कब की है और साथ ही इस घटना का पुलिस को कैसे पता चला? जी अंजलि, आपको बता दें कि ये घटना थाना फतेहाबाद के नगला गडरिया की है। जो महिला रात को रात्रि में आंगन में सो रही थी जी, किसी बात को लेकर पति से झगड़ा हुआ, उसने सोते समय पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया। जी मनोज, जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, उनका क्या कहना है इस घटना पर? लोगों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था जी, जिसको लेकर काफी दिनों से तनाव था जी। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर? कब तक इस पर मामले पर कार्रवाई हो सकती है? जो दोषी है वो कब तक पकड़ा जा सकता है? पुलिस का कहना है कि पुलिस को तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है और जांच कार्रवाई कर रही है और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल में पंचनामा भर के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जी। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि फतेहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आंगन में चारपाई पर सो रही पत्नी को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। सोते समय घटना को यह अंजाम दिया गया। सात बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। बता दें कि पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस वारदात का जो कारण है बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद आए दिन होता रहता था, इसी को लेकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।